वेलकम व्यूवर्स, क्या हाल है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ मैकेनिकल सील, और ये मैकेनिकल सील क्या है और ये कहाँ इस्तेमाल की जाती है, इनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, तो ये मैं आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, और अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैकेनिकल सील क्या है। What is mechanical seal? Mechanical seal is a mechanical device which is used to centrifugal pump that help joint system and mechanism together by preventing leakages, containing pressure or excluding contamination. Mechanical seal ये एक mechanical device है और ये use की जाती है centrifugal pump में। इसको joint किया जाता है उसके mechanism में ताकि कोई leakage ना हो सके और ये leakage को रोक, और ये pressure पे मुश्तमिल होता है और बिना किसी आलूदगी के, और ये ज़्यादातर पंप पे इस्तेमाल किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल सील एंड एप्लीकेशन। डिफरेंट किस्म के मैकेनिकल सील और इसके इस्तेमाल, ये आपको मैं रिव्यू करके दिखाता हूँ। तो अगर इस पर अरेंजमेंट की बात की जाए तो सिंगल स्प्रिंग मैकेनिकल सील कहलाता है, और अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो ये अनबैलेंस मैकेनिकल सील है। ये इजी टू इंस्टॉल हो जाते हैं और इसका मैक्सिमम प्रेशर है 10, और इसकी ऑपरेटिंग रेंज है 2900 RPM, और इसका जो फेस मटेरियल होता है वो सिलिकॉन और टंगस्टन कार्बाइड का होता है, और ये ज़्यादातर विस्कस एप्लीकेशन और ऑयल हीटर के पंप में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर सेकंड, अगर एस पर अरेंजमेंट की बात की जाए तो ये मल्टी स्प्रिंग मैकेनिकल सील कहलाते हैं, और अगर एस पर डिज़ाइन की बात की जाए तो ये बैलेंस मैकेनिकल सील कहलाते हैं। ये हाई प्रेशर होते हैं और इसका जो मैक्सिमम प्रेशर है वो 30 bar, और ये इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी ऑपरेटिंग रेंज है वो है 2900 RPM, और जिसका फेस मटेरियल है वो है सिलिकॉन टंगस्टन कार्बाइड होता है, और ये ज़्यादातर अंडर वैक्यूम पंप में इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 3, एज पर अरेंजमेंट टेफ्लॉन बेलो मैकेनिकल सील, और अगर डिज़ाइन के हिसाब से देखा जाए तो बैलेंस मैकेनिकल सील कहलाते हैं, और ये ज़्यादातर करोजिव मीडिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। मैक्सिमम प्रेशर जो है इसका 10 bar है, और इसका जो फेस मटेरियल है सिलिकॉन, ग्रेफाइट और सेरामिक का होता है। नंबर 4, मेटल बेलो मैकेनिकल सील, और इस पर डिज़ाइन अगर बात की जाए तो बैलेंस मैकेनिकल सील कहलाते हैं, और ये ज़्यादातर हॉट टेम्परेचर और कोल्ड एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो मैक्सिमम प्रेशर है वो है 15 bar, और अगर इसके फेस मटेरियल की बात की जाए तो ये कार्बन सिलिकॉन टंगस्टन कार्बाइड का होता है। इस सील की सबसे यूनिक खासियत ये है कि इसमें कोई ओरिंग नहीं होती। नंबर 5, कोनिकल स्प्रिंग मैकेनिकल सील, और अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो ये अनबैलेंस मैकेनिकल सील कहलाते हैं, और ये ज़्यादातर वाटर पंप जो नॉर्मली सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसका जो मैक्सिमम प्रेशर है वो 10 bar तक की इसकी रेंज है, और जिसकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी है वो है 2900 RPM तक, और इसका जो फेस मटेरियल होता है वो कार्बन सिलिकॉन और टंगस्टन कार्बाइड का होता है। नंबर 6, एस पर अरेंजमेंट की बात की जाए तो ये कार्टी सिंगल मैकेनिकल सील कहलाते हैं, और अगर एस पर डिज़ाइन की बात की जाए तो ये बैलेंस मैकेनिकल सील कहलाते हैं। ये ज़्यादातर हाई प्रेशर पंप में इस्तेमाल होते हैं, और इसका जो मैक्सिमम प्रेशर है वो है 25 bar, और जिसका फेस मटेरियल है वो है कार्बन सिलिकॉन टंगस्टन कार्बाइड, इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और इसको इस्तेमाल किया जाता है रिएक्टर और एजिटेटर के रोटेटर पर। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के मैकेनिकल सील हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं पंप में। फ्रेंड्स, ये कुछ टाइप्स थे मैकेनिकल सील की जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर की है, और फ्रेंड्स ये ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, जनरेटर और रेडिएटर वगैरह में इसका इस्तेमाल ज़्यादा है, और ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है क्योंकि वहाँ पर ऑयल, वाटर, केमिकल को आगे फ्लो किया जाता है प्रेशर के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।